आयत अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम की शान में आई थी। होगा कोई उसी के खानदान वाला? तो हाथ मंजूर रहे तो अब पॉलिसी समझ में आ गई, पॉलिसी समझ में आई कि अगर कहे आली कहो इसके मानी बरन, और अगर सिफत दे दे तो कहो कि ये मुराद नहीं है वो मुराद है। अब एक दिन रसूल ने कहा कि नाम लेता हूं तो कहते हो कि इसके मानी बरन, और सिफत देता हूं तो कहते हो इससे ये मुराद नहीं वो मुराद है। तो अब ऐसी सिफतें दे रहा हूं कि अब आदमी तलाश करो, ना होती अन्न रायता खदन रजोरन कर्रारन करा फर्रारिन यही बहु लाभ रसूल को यही बहु लाभ रसूल। पांच से बते एक साथ किस में ढूंढ के लाओगे? पूरी रिवायत का तर्जमा नहीं करूंगा, ला यर्जियो ये वापस नहीं आएगा, जबान रसूल की शाइस्तगी ये पलट के नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर ले। भाई यहां तक तू मेरे साथ आ गए, अली चले। अब खैबर तो बयान करनी मकसूद नहीं है, लेकिन एक जुमला सुनो ताकि मैं आगे चला जाऊं। अली चले और दो कदम गए होंगे, दो कदम आगे गए होंगे, बस दो कदम घोड़े पर सवार होकर कह मुंह है खैबर की तरफ, पुश्त है रसूल की तरफ, और कह रहे एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कब तक जंग करूं? एला मता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं कब तक जंग करूं? इरशाद फरमाया हत्ता जो अब्दुल जिजिया बहुन सागरून हत्ता यकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। दो शर्तें, या तो जिजिया देना कबूल करें या ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, मोहम्मद रसूल अल्लाह कहें। दो शर्तें। रुके रहो भाई, तुम तो बड़े अली के चाहने वाले हो, हो ना अली के चाहने वाले? सूरत हाल क्या है जरा मुझे सूरत हाल तो बताओ। अली का रुख है खैबर की तरफ और पुष्ट है रसूल की तरफ, है यही सिचुएशन है। अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हुजरात की, या अय्युहल लजीन आमनू ला तुकद्दमू बैने यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम, या अय्युहल लजीन आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिल कौल कजहरे बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। अय ईमान लाने वालों खुदा से भी आगे न बढ़ो, अय ईमान लाने वालों रसूल से भी आगे न बढ़ो, पुष्ट है रसूल की तरफ आगे तो बढ़ गए। भाई यही फर्क है मोमिन में और अमीरुल मोमिनीन में। सुनना, तुम्हारे सुनने की बात है, ला यर्जियो हत्ता यफ्ता ला बन गया है, ये वापस नहीं आएगा जब तक खैबर को फतह न कर दे। अब अली का मुंह है खैबर की तरफ, अली की पूछते रसूल की तरफ, पूछ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? कहा या तो बस जिजिया दे दें या इस्लाम कबूल कर ले। ठीक है ना, वो जो इस्लाम के रखवाले थे रसूल के पास बैठे हुए, वो जो मकाम रिसालत को खूब समझते थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये अली ने कमाल किया, पूछते हैं आपकी तरफ। भाई अगर आपसे कुछ पूछना ही था तो मुड़ के आते, पूछ के फिर जाते। कहा भाई मुझसे क्या पूछते हो, अली से जाके पूछो। आए अली के पास, या अली तुमने ये क्यों किया? फरमाया कि रात ही हदीस बयान की थी और आज ही भूल गए, रसूल ने कहा था खैबर फतह किए बगैर वापस नहीं आएगा।
अच्छा भाई, तो अपना उसमें गुस्तु क्या था, तेजी से बढ़ रहा हूँ, अब तो सामने बात में गुंजाइश ही नहीं है, कुल अगले दो घंटे रह गए हैं, तो बात तो जल्दी से मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। भाई अजीब बात है, अगर रसूल कहे अली तो इसके मानिए सिफत, और अगर रसूल सिफत दे तो इसके मानी क्या है भाई, कि यह मुराद नहीं है वो मुराद है। अब कमाल किया मेरे रसूल ने, गदीर में हाथों पे उठाया और आवाज दी, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। यह है मकामेल जो विरासत में मुंतकिल हुआ मोहम्मद से अली तक। तो यही तो लाना था मेरे 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 अली ने। भाई परसों कह के गुजरा हूं कि दुनिया में परवरदिगार ने जहां जहां इल्म दिया उसके घर जाके दिया, ठीक है ना, दाऊद के घर में जाके इल्म दिया, सुलेमान के घर में जाके इल्म दिया, खिज्र के घर में जाके इल्म दिया, मूसा के घर में जाके इल्म दिया, यानी जिसे हिदायत पे फायद करना था उसके घर में, उसके माँ बाप के घर में जाके इल्म दिया, तो जिसे खुद अपने घर में पैदा करे। यही सबब है, यही सबब है कि सलूरी का चैलेंज रसूल के बाद मेरे अली के अलावा किसी ने नहीं दिया। मैंने आज बड़ी रहमत दी, लेकिन भाई सुनते जाओ, अशबक इब्ने नुबाता हमारा एक मोतबर रावी है और उससे रिवायत नहलुल बलागा में मौजूद है, कहने लगे पूछो जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, और तीन सवाल खुद बतलाए, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो। देखो अजीब अजीब चैलेंज है अली का, और भरे मजमे में है, घर के अंदर नहीं है, भरे मजमे में चैलेंज कर रहे हैं। कयामत तक नंबर एक, कयामत तक क्या होने वाला है मुझसे पूछो, ठीक। दूसरा सवाल, कुरान की आयत कौन सी कहां नाजिल हुई, दिन में नाजिल हुई, रात में नाजिल हुई, मौकम है, मुतशाबे है, नासिख है, मनसूख है, मुझसे पूछो, कोई और नहीं बताएगा। और तीसरा चैलेंज, कौन से काफिले चल रहे हैं, किस मंजिल पे पहुंचे हैं, उनकी तादाद क्या है, कहां से चले हैं, कहां जाएंगे, उनमें मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, उनके नाम बताऊंगा, उनके बाप दादाओं के नाम बताऊंगा।